एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक नंबर गिवन है हमारे पास 0.6 की बार, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, ये एक्स है, हमने लेट कर लिया कि ये क्या है हमारे पास 0.6 की बार है। तो 6 बार का मतलब है कि 6 जो है रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे 6 6 6 6, 3 टाइम्स लिख लो डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। 0.6 की बार था, इसको हमने x लिखा और 6 की बार था, तो 0.666 रिपीट हो रहा है ये, तो फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से हम दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब एक डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, इसमें ओनली वन डिजिट जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कहीं पे डबल डिजिट मल्टी रिपीट हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से ट्रिपल डिजिट अगर रिपीट हो जाए तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बोथ साइड यानी दोनों साइड करना है मल्टीप्लाई, तो एक्स को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10x इज इक्वल टू, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल जो है ये डिजिट जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 6.66 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल जो है सिंगल डिजिट जो है आगे चला जाता है, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप यहाँ से यहाँ ले सकते हो डेसिमल डायरेक्ट, 1000 से करोगे तो डेसिमल यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। अच्छा, अब क्या हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब 10x में से आप x माइनस करोगे, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 6.666, 3 टाइम्स लिख देते डॉट डॉट डॉट, देखो ध्यान से रिपीट हो रहा है, तो रिपीट में आप 3 टाइम्स लिखो 2 टाइम्स लिखो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे 3 टाइम्स लिख लिया क्योंकि ऊपर वाले में 3 टाइम्स था, माइनस 0.666 सेकेंड इक्वेशन ये थी, इसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन माइनस की, तो 10x माइनस x और 6.666 माइनस 0.666, 10x में से x माइनस करोगे तो ये हमारे पास आएगा 9x इज इक्वल टू 6.66 में से ये माइनस कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.000, आप माइनस करके चेक कर सकते हो। अब आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 6.00 मीन्स 6 ही है ये, और ये जो 9 है जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाता है, इसको कैंसिल कर दिया हमने 3 से, तो 3 2 6 एंड 3 3 9, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2/3। एक्स की वैल्यू हमने 0.6 की बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2/3। इसी तरीके से एक और करते हैं हम सेकेंड पार्ट इसका, 0.47 के बार, इसको भी अब हम ऐसे ही करेंगे, x इज इक्वल टू 0.477 डॉट डॉट, इसमें 7 के ऊपर बार है तो 7 रिपीट हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया 10x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा आपके पास 4.77 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसमें से ये माइनस, तो यहाँ पे लिख लो आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अच्छा, सेकेंड में से आप जब माइनस करोगे तो ये हो गया आपके पास 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.77 माइनस 0.4
477, ये डॉट 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 जरूर लिख देना। इसमें से माइनस किया तो 9x, इसमें से ये आप माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 4.3। अब x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, 4.3 अपॉन डेसिमल हटा दो ये, तो ये 90 आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया 43 अपॉन 90।